अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए केबीसी ऑफिशियल ऐप। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि ओम स्वस्ति नारायण। ये भी क्या बात हुई, वधु आगे बढ़कर फेरे ले रही है और हमारी नंदिनी का कुछ पता ही नहीं है। कहाँ हो मेरे बच्चे? भैया जी, ये जो रेड और व्हाइट हार्ट शेप वाले बलून है ना, इसके 10-10 पीसेस दे देना, और ये जो बड़ा वाला बलून है ना, उसमें ज्यादा कॉन्फिट भर देना। और नेशनल डेकोरेटर दुग्गल साहब, ये कैसा इंतजाम करके रखा है? फेरे खत्म होने को आए और अभी तक विदाई के कार में सजावट तक नहीं हुई है। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी मेरी बेटी है। ये मेरा वादा है कि मैं बेटी को फूलों की छांव में विदा करूंगा। ना हुई तो समझ लो तुम्हारा ऑक्सीजन बंद करवा दूंगा। रोहन, अब हम सबसे पहले फूल लेंगे, उससे अच्छी चादर बनाएंगे और फिर जाएंगे। दी, फूलों की चादर बनाने की क्या जरूरत है, सिर्फ फूल ही ले लेते ना, उससे भी तो काम चल जाएगा। काम ही तो नहीं चलाना है रोहन, फूलों से सजी डोली में विदा होने का सपना हर एक लड़की बचपन से देखती है, और अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत किसी का सपना पूरा कर दे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वादा है नेशनल डेकोरेटर का कि विदाई की गाड़ी तो अब स्पेशल सजेगी, वो भी डॉट टाइम पे। दी गुब्बारे। नंदिनी बेटा, ये दुग्गल तो गया काम से, अब फूल लेके मेरे मातम पे आ जाइयो। हो गया दी। अच्छा भैया जी, बिल बोल दीजिए। ये क्या मैडम, ये तो 3,000 ही है, 6,000 का बिल है आपका। भैया जी, थोड़े से फूल खरीदे, फूलों का बगीचा नहीं खरीदा है, और ये मेरा रोज का काम है, मुझे फूलों का भाव अच्छे से पता है। जिससे आप रोज खरीदती हैं, उसी से ले लेती? अगर उसकी दुकान आज बंद नहीं होती तो वहीं से खरीद लेती। वैसे आती हुई लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये लीजिए और 3,000 रुपए, अगले 5 शादियों का एडवांस। 3,000 के भाव से दे रही हूँ, सोच क्या रहे, खड़े खड़े बिजनेस दे रही हूँ आपको। अगर मंजूर है तो बोलिए, वरना सारे फूल यहीं पे रख के जाऊंगी। मंजूर है जी। तो मुस्कुरा के कहिए ना, कहते हैं बिजनेस हंस के करने पर और भी फलता है। मंजूर है। पापा। दी, आपका फोन बज रहा है। तुम्हें पता है ना, गाड़ी चलाते वक्त फोन नहीं उठाते। नंदिनी, बेटे बेटे फोन उठा। दी, दुग्गल सर का भी हो सकता है, वो परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, वहाँ जाकर उनसे बात कर लूंगी। दी, सिग्नल येलो हो रहा है, जल्दी निकाल लो।
सिग्नल का येलो होना वार्निंग होती है गाड़ी रोकने की, बट आया मुझे सिखाने वाला। और सोच, हम थोड़ी सी चीटिंग करके मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन फिर दिल को क्या समझाएंगे? सिग्नल नहीं तोड़ सकते तो क्या हुआ, लेकिन जल्दी पहुंचने वाला दूसरा रास्ता तो ले सकते हैं। नंदिनी की को खबर आई कि नहीं आई, कहाँ है? सर जी, नंदिनी आ गई। हाँ, नंदिनी आ गई। हाँ जी, चलो जल्दी करो, सब सामान ले लिया ना? हाँ दी। वाह, जितना अच्छा मंडप सजाया था उतनी अच्छी गाड़ी सजवाई है आपने। क्यों सर जी, सज गई ना कार तो टाइम पे? वाकई बेटा जी, आपने तो हमारा धंधा चौपट होने से बचा दिया, वरना इस नेशनल डेकोरेटर की तो नाक ही कट गई होती। दुगल साहब, अब तो ये कहना ही पड़ेगा कि इंतजाम बहुत बढ़िया था। और हाँ बेटी, खास करके तुम्हारी कार की सजावट, तुमने तो कमाल कर दिया, पर सजावट काफी खर्चीला था। एक बात कह देता हूँ, मैं अब एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। नहीं नहीं अंकल जी, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ एडजस्ट हो गया। लेकिन नंदिनी कैसे? अंकल जी ने कहा था कुछ 800 लोगों का खाना बनाने के लिए। हाँ। और हमने बनाया कुछ 500 या 550 लोगों का। हम खाना शिफ्ट्स में बना रहे थे, जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे खाना खाते गए, इसलिए ज्यादा खाना वेस्ट नहीं हुआ। ये समझ लीजिए जो बचत खाने में हुई वो यहाँ पे एडजस्ट हो गई। बेटी तुम साक्षात लक्ष्मी हो, इतनी सूझबूझ और इतनी कम उम्र में, धन्य है तुम्हारे माँ बाप। और हाँ, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल जी, हमारा तो काम ही है लोगों के सपने सजाना। दुगल साहब, मैं चलता हूँ। आई चलो, ट्रक आ गया है, चलो भाई जल्दी जल्दी सामान खाली करो और लोड करो। सर बचे हुए खाने का क्या करूं? और बचा हुआ खाना यहीं छोड़ दो। रुकिए। अरे रुको रुको अंकल जी, आपको माफ करना बेटा जी, जल्दबाजी में दिमाग से ही उतर गई बात। कहाँ है आपकी पलटन? बच्चा पार्टी आ जाओ। बैठो बच्चों, बैठो। कुछ तो बात है नंदिनी में, जब ये आसपास होती है तो दिल को तसल्ली होती है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। देखिए छोटी छोटी बातों में इसको कितना सुख मिलता है। चलिए आप संभालिए उधर। यस सर। अरे क्या कर रहे हो वहाँ? अच्छा सुनो, सब लोग ठीक से खाना खा लेना। हा? ये भी कोई बात हुई, इंसान काम क्यों करता है? अपनी सैलरी के लिए। ये आपका हक है, ये आपकी मेहनत है, आप हक से मांग लिया करो। पिछले 3 दिन से मैं आपका लिफाफा लिए घूम रहा हूँ। सर जी, इज्जत और हक मांग के कमाया, तो क्या कमाया? लाख % की बात की आपने। अब थोड़ा सा हक और थोड़ा सा फर्ज हम भी जताते। ये आपका दूसरा लिफाफा, इंसेंटिव 7,000। थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके, इट्स ओके।
अब एक छोटा सा काम करना होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है बेटा। आपको पीआरपी ऑफिस जाना होगा। पीआरपी ऑफिस? प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन पार्टी के ऑफिस जाना होगा। आपको तो पता है मुझे पेरेंट पॉलिटिकल फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे बेटा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है हमारे हाथ में, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। जितनी रैलीज होंगी ना वो उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आज पे। आज पे ये सारा काम हमारा करता है शरद, उसकी अचानक होगी तबीयत खराब इसलिए वो छुट्टी पे है। तो बच्चे ये काम आप ही को करना होगा। ओके सर जी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ओके गॉड ब्लेस। पीआरपी यानी कि प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक नेता स्वर्गीय राजा विजेंद्र रघुवंशी जी का जन्मदिन आज बड़े ही धूमधाम से यहां पार्टी दफ्तर में मनाया जा रहा है। जिनकी असमय मृत्यु के कारण जहां हमेशा शोक की लहर छाई हुई रहती थी, आज वहां पर गहमा गहमी छाई हुई है, क्योंकि आज गायत्री जी के बेटे युवराज राजवीर रघुवंशी इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई खत्म करके यहां लौट रहे हैं, जिसकी खुशी का स्वागत। रुको रुको, ये पत्रकार अंदर नहीं जा सकते। भैया जी मैं रिपोर्टर नहीं, नेशनल डेकोरेटर से फंक्शन का इंतजाम देखने आई। एक मिनट रुकिए, ये रहा मेरा आयकर। ठीक है आइए। थैंक यू सर जी। सत्ता में राजवीर जी की भागीदारी की हवा ने ही विपक्ष के कई नेताओं की कुर्सियों पर गरम तवा रख दिया। सुलग उठे सबके सर, जरा सी पुरवाई चली नहीं कि चिंगारी आग में बदल जाएगी। शुक्ला जी इस बार पुरवाई हमारे ओर ही भागेगी। एक बार पूर्वी दिल्ली से टिकट मिल जाए, राजवीर जी तो तुरुप के पत्ता हैं और पार्टी का चेहरा वही होंगे, तो इस बार तो होम मिनिस्टर बनने का सपना हमारा पूरा होकर रहेगा। बिल्ली वाली हालत है आप लोगों की। नमस्कार सूर्यमान जी। नमस्ते। आंख बंद करके दूध पीने से दुनिया सूरदास नहीं हो जाती। एक मुंह है तो दो दो कान, सब सुनाई देगा। बिना काम किए कुर्सी पे नजर रखने से क्या होगा? जी जी मेरे कहने का मतलब कुछ पहले अपना टिकट तो सुरक्षित कीजिए जगमोहन जी। इस तरह एक चिल्ली बनने से कुछ नहीं होता। गणेश जी। दीदी ये क्या है, अभी तक पर्दे नहीं लगाए तुमने। अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। अच्छा चलो मेरे साथ, जल्दी करो। अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि हर बार सत्ता से दो कदम दूर रह जाने वाली ये पार्टी क्या इस बार भी सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं। गायत्री देवी के बेटे राजवीर रघुवंशी देश के करोड़ों दिलों पर राज कर पाएंगे? बाहर सुना आपने मीडिया वाले क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, पर इसका जवाब तो गायत्री जी देंगे। आज तो वो संबोधित करने वाली है, पर वो है कहाँ? आजकल आप बहुत शैतान होते जा रहे हैं। अरे 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 क्या कर रहे हो बेटा? राजवीर बेटा, बेटा हमारा चश्मा है,
गिर जाएगा तो टूट जाएगा। नहीं गिराऊंगा। गायत्री आप ही अपने बेटे को समझाइए। छोटे से बच्चे को काबू में नहीं कर सकते तो देश पे कैसे शासन करेंगे? गायत्री एक नेता के लिए उसका देश उसके बच्चे के समान होता है, जिसकी उंगली पकड़कर वो उसे आगे ले जाता है। विजेंद्र आज प्लीज मत जाइए, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा जाना बहुत जरूरी है गायत्री, वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, एक बहुत बड़े रैली को संबोधित करना है और मुझसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे, लेकिन हाँ शाम को वापस जल्दी आऊंगा और डिनर साथ में करेंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। अभी अभी खबर आ रही है कि बीआरपी के वरिष्ठ नेता श्री विजेंद्र रघुवंशी का एक चुनावी रैली में अचानक मची भगदड़ में भीड़ द्वारा कुचले जाने की वजह से निधन हो गया है। चलिए हम आपको ले चलते हैं हादसे के स्थान पर, जहां हमारे संवाददाता किशोर अवस्थी हमें इस दर्दनाक हादसे की विस्तृत जानकारी देंगे। आज आप डैड को बहुत मिस कर रही हैं ना? मिस तो उन्हें करते हैं जो अपनों से कभी दूर हुए हो। आपकी हंसी और राजवीर की आंखों में ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अगर ऐसा है तो आप हर खास मौके पर डैड की तस्वीर के सामने घंटों तक आंखों में आंसू लिए क्यों खड़ी रहती हैं? ये तो मैं सालों से देख रही हूं। आंखों में मैं उन अधूरे सपनों को देखती हूँ जो मुझसे आज तक मेरा वजूद मांग रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी होने के नाते उन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य है। आज राजवीर अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आ रहे हैं। राजवीर का लौटना हमारी खोई हुई उम्मीद का लौटना है। आपका हर अधूरा सपना पूरा होगा। आप आइए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब चलिए हम आते हैं। जी विजेंद्र, आप हमारा आत्मविश्वास हैं और आपकी निशानी राजवीर हमारी ताकत। बाहर कीजिए। जल्दी करो। चलिए मैडम, पार्टी की मीटिंग शुरू होने वाली है, आप लोग सब यहाँ से जाएंगे। जी, चलो चलो, जल्दी कीजिए। इतना नाम सुना है गायत्री जी का, काश सामने से एक बार देख लेती। मैडम यहाँ से जाइए।
2690। इक्यावन हजार। और आप, आपका रिकॉर्ड तो कभी टूट ही नहीं पाएगा। 2,00,000 मतदानों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके नाम कितने वोट गिरे? सिर्फ 10। 1,99,990 वोटों से हारे हैं आप। जमानत जब्त, पार्टी बदहाल। ऐसे हारते रहे तो बन चुकी दिल्ली में हमारी सरकार। सुमेर सिंह जी, कुछ चंद लोगों में से आप ही हैं जिन्होंने हमारी पार्टी की नाक राजस्थान में बचा कर रखी। सिर्फ एक प्रदेश पर राज्य करने से राष्ट्रीय स्तर का दर्जा तो नहीं मिल जाएगा ना? नमस्ते। हमें आप लोगों से इसी समर्थन की उम्मीद थी। दरअसल अपना ये समर्थन आप लोग उन सपनों को दे रहे हैं जिसे अपनी प्रजा के लिए त्रेता युग में श्री राम ने दिए, वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने दिए और कलयुग में देखा हमारे स्वर्गीय पति श्री विजेंद्र रघुवंशी जी। देश के हर नागरिक के चेहरे पे हंसी देखने का सपना, देश के लोगों की तरक्की का सपना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनका ये सपना हम सबको मिलकर पूरा करना है। जिस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पति और आपके नेता श्री विजेंद्र रघुवंशी जी ने अपनी प्राणों की आहुति दी, आज उनके जन्मदिन के दिन पर आप सबका स्वागत है। दुनिया के लिए हम प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन पार्टी हैं, लेकिन हमारे लिए पीआरपी का मतलब है पूर्ण राष्ट्र प्राप्ति। आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं KBC गेम्स और जीत सकते हैं iPads। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए KBC ऑफिशियल ऐप।